माइनक्राफ्ट बट इट्स डायमंड ओनली वर्ल्ड। जी हाँ भाई, सुपर फ्लैट डायमंड ओनली वर्ल्ड, जहाँ पे आपको सिर्फ दूर दूर तक डायमंड ही डायमंड मिलेंगे और कुछ यहाँ पे अजीब से प्राणी भी आपको मतलब मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाला है ये वाला सीरीज़। ये सीरीज़ होगा गाइस 100 डेज हार्ड कोर सर्वाइवल की। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा मज़े आने वाले हैं, क्योंकि भाई ना 100 डेज वो भी सुपर फ्लैट डायमंड ओनली वर्ल्ड में, और साथ ही कुछ यहाँ पे हमारे प्राणी भी ऐसे जाने और स्लाइम भाई सब रहेंगे, तो काफी ज्यादा एक्साइटिंग सीरीज होगी। ओके, सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो शो बॉलिंग गेमिंग यूट्यूब। क्या हाल है सबके, उम्मीद करता बच्चे होंगे। सो गाइस, आज ना हम लोग खेलने वाले 100 डेज हार्ड कोर सर्वाइवल, वो भी माइनक्राफ्ट सुपर फ्लैट डायमंड ओनली वर्ल्ड में, और काफी ज्यादा मजे आने वाले कि 100 डेज में हम सर्वाइव करने चाह रहे हैं। मतलब डायमंड ओनली वर्ल्ड में सबसे सर्वाइव कितना मुश्किल होगा, यहाँ पे आपको दूर दूर तक कोई भी पूछे जाते हो, मुझे तो नहीं दिख रहा पेड़, ना ही कुछ रेंडर हो रहा है, ना ही एनिमल्स हो रहे, बस एक हो भाई हम लोग के साथ, हम तीन प्राणी हैं जिनका नाम है रोमनस भाई, एक है स्मिकानेस, उनके साथ हार्ड कोर सीरीज चल रही है हमारी, और गाइस कुछ और अजीब से तुच्छ प्राणी है जिनका नाम है भाई हमारा स्लाइम भाई साहब। ठीक है, तो स्लाइम जी यहाँ पे हैं अगल बगल, आप देख सकते, मारो मत यार, मार क्यों रहे हो, तो स्लाइम भाई साहब भी हैं। तो काफी ज्यादा मजा सीरीज होने, मतलब मजेदार सीरीज होने वाला है। तो यार इसी के साथ चैनल पे नए तो ऐसी बात कर सब्सक्राइब कर दो, इस टाइप की वीडियोज आती जाती हैं, और यार वीडियो को लाइक मत करना भूलना यार, लाइक कर दिया करो, क्या जाएगा लाइक करने में। ठीक है, तो कर दिया करो, इसी के साथ करते हैं अपने यहाँ पे वीडियो शुरू, आ जाए सीरीज यहीं पे स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। सो गाइस, यहाँ पे डे वन के यहाँ पे शुरू होता है, हम लोग को सामने ही दिख रहा था एक विलेज, तो आज उसको यहाँ पे चलते हैं, थोड़ा सा लूटते हैं, थोड़ा सा मतलब उनका सामान चेकआउट करते हैं, लूटेंगे क्या यार, हम लोग लूटे थे थोड़ी ना भाई, हम लोग लूटेंगे नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो यहाँ से कुछ डे वन के विलेज पहुँचते, सबसे पहले यहाँ पे कुछ डर्ट यहाँ पे कलेक्ट कर लिया, उसके बाद विलेजर्स के घर में जाके उनको थोड़ा सा गरीब करना शुरू कर दिया, क्योंकि देखो इसके लिए हम लोग को मतलब थोड़ा अगर शहर पे राज करना है तो उनको गरीब करना पड़ेगा, समझ जाओ बस। ठीक है, तो ठीक है, तो यहाँ पे देखो चलो आज उनका सारा सामान यहाँ पे ले लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे कुछ बेड है तो इसको भी यहाँ पे तोड़ देते हैं, ताकि भाई अपना यहाँ पे सर्वाइवल में काम आए, और ऐसा गेट बंद कर दो भाई, देखो हम लोग बहुत अच्छे लोग हैं, गेट बंद करके जाएंगे, क्योंकि हम लोग के सिवा और कोई लूटना नहीं चाहिए, मतलब समझो सिर्फ हम लोग लूटना चाहिए और कोई नहीं लूट सकता। ठीक है, तो आ जाओ देखो यहाँ पे चलते हैं भाई, इसके घर में देखते हैं क्या सीन है, और वाह ये तो भाई पहले से बहुत फकीर है, तो इसको आने दो, छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे अरे भाई स्लाइम से फाइट हो जाए, तो सबसे पहले तो रात हो जाए, तो आ जाओ भाई इस विलेज को भी लूट के यहाँ पे सो जाते हैं, सबसे पहले अपनी नींद ले लेते हैं, क्योंकि यार देखो सोना भी जरूरी है, काम के साथ सोना भी चाहिए, समझ रहे हो। सो गाइस, इसी के साथ हमारे यहाँ पे सुबह हो चुकी है, तो आज भाई थोड़ा सा विलेजेस को और यहाँ पे चेकआउट करते हैं कि क्या क्या सीन है, और यहाँ पे थोड़ा खाने पीने के यहाँ पे लाले पड़ने वाले हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे विलेजेस, पहले एक सेकेंड, यहाँ पे विलेज में आयरन गोलम नहीं है भाई, शिट यार, हम लोग को यार डायमंड निकालने के लिए आयरन गोलम चाहिए, क्योंकि देखो तो उसकी वजह से यार हम लोग यहाँ पे आयरन लेके कलेक्ट कर पर डायमंड यहाँ पे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे कुछ वुड के टूल्स बना लेते हैं, यानी कि स्टोन के टूल्स, वुड के टूल, ताकि भाई हम लोग कुछ यहाँ पे काम कर पाए भाई। और ये स्लाइम मेरा पीछा क्यों नहीं छोड़ रहे, मुझे चिपक क्यों रहे हैं, अरे दूर हट जा भाई मेरे, अरे भाई गाइस देख लो यार मेरे पीछे ही पड़े कर रहे हैं यार ये तो। एक सेकंड, मेरे पास एक आइडिया आया यार, रुको रुको रुको, मैं इधर जाता हूँ अभी, अरे अभी भी कैसे देख पा रहा है, इसकी इतनी बड़ी बड़ी आँखें हैं भाई, पहले यार फटाफट यहाँ पे वुड कलेक्ट कर लेते हैं, अरे भाई ये पीछे आ रहा है यार, एक आइडिया, रुको 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 गाइस, इसको मैं यहाँ पे तोड़ के ना रुको अंदर चला जाता हूँ और घर में बंद जाता हूँ, फिर देखता हूँ कैसा आएगा। और यहाँ पे गाइस फटाफट यहाँ पे वुड कलेक्ट यहाँ पे कर लेते हैं, तो गाइस यहाँ पे जितने सारे वुड विलेजर्स के घर में यहाँ पे लगे थे, तो मैंने फटाफट यहाँ पे वुड कलेक्ट करना यहाँ पे शुरू कर दिया, और गाइस कलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अपना बनाने लगा थोड़ा सा टॉर्च वगैरह लेके, अपने ढेर सारे मतलब हम लोग को वुड की जरूरत है, क्योंकि देखो अपने पास अभी कोल वगैरह है नहीं। ठीक है, तो फर्नेस बनाने के लिए, फर्नेस को अगर हम लोग को लाइट, मतलब फर्नेस को अगर सुलगाना है, यानी कि स्मेल्टिंग वगैरह करना है, कुछ ज़्यादा ही हिंदी बोल दिया भाई, स्मेल्टिंग करना है, तो हम लोग को तब भी यहाँ पे वुड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास कोल नहीं है। सबसे पहले यहाँ पे फटाफट यहाँ पे स्टिक बना लेते हैं, और कुछ अपने वुड के यहाँ पे टूल्स बना लेते हैं, जिससे कि हम लोग स्टोन यहाँ पे माइन कर पाए, कॉबल स्टोन के यहाँ पे बना पाए। तो फटाफट मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे पिकेक्स बना लेता हूँ, एक सेकंड, यहाँ पे कुछ प्लैंक्स बन गया, और ये गया मेरा गाइस प्लैंक, ये गया मेरा स्टिक, और बन गया हम लोग का वुडन पिकेक्स। तो आज फटाफट इसके घर को यहाँ पे तोड़ देते हैं कॉबल स्टोन को, और गाइस इसी के साथ हम लोग यहाँ पे स्टोन एज यहाँ पे अचीवमेंट कंप्लीट हो चुका है, यानी कि एडवांसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे स्टोन वगैरह कलेक्ट करके यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा बाहर निकल गए, और यहाँ पे गाइस मैंने थोड़ा सा और स्टोन यहाँ पे कलेक्ट करना यहाँ पे शुरू कर दिया, ताकि हम लोग भाई देखो यहाँ पे, अरे भाई ये स्लाइम नहीं मान रहे भाई, स्टोन से यहाँ पे मतलब कलेक्ट करने के बाद, ताकि हम लोग यहाँ पे स्टोन का पिकेक्स वगैरह यहाँ पे बना पाए। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे कुछ मॉसी कॉबल स्टोन भी यहाँ पे मिल रहे थे, तो मैंने वो भी रख लिया, क्योंकि क्या पता कब घर में क्या चीज़ काम आ जाए, जब हम लोग यहाँ पे घर वगैरह पे बनाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो एक सेकंड को यहाँ पे ये रहा भाई क्राफ्टिंग टेबल, ये रहा, ये गया गाइस मेरा स्टिक, ये गया मेरा कॉबल स्टोन, और ये बन गया गाइस हम लोग यहाँ पे स्टोन का पिकेक्स। ठीक है, ओ भाई ब्लैक स्मिथ का घर,
ओ भाई आज आओ चलते भाई, कुछ ना कुछ तो जरूर मिलेगा भाई। ब्लैक इसमें एक का फर्नेस कहाँ गया? रुको लेकिन एक फर्नेस तो ले ही लेता हूँ। एक सेकंड, इसका गेट भी खुला हुआ है। वाह चेस्ट भी गायब कर दी भाई। अरे भाई भाई कितना फक भाई, अब भाई अब इतना ही फकीद कर दिया तो उसका कॉबल स्टोन ले लो, घर में तोड़ दो उसका भाई पूरा ले लो भाई। गाइज मैं तो उसका कॉबल स्टोन भी अब ले लूँगा भाई। भाई चेस्ट तो छोड़ देते, कम से कम उसको खाली चेस्ट देके कुछ तसल्ली मिल जाती भाई। उन्होंने वो भी नहीं छोड़ा भाई, ये क्या सीन है, ऐसा थोड़ी ना होता है। तो गाइज यहाँ पे फटाफट यहाँ पे कॉबल स्टोन थोड़ा सा यहाँ पे और कलेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ पे आ गए फार्मर के पास। तो फार्मर के पास आने के बाद यहाँ पे जितने सारे सीड वगैरह थे हम लोग खाने के लिए, मतलब सीड वगैरह तो चाहिए थे, यानी कि मतलब कुछ फार्मिंग वगैरह तो करनी ही थी। क्योंकि देखो बिना फार्मिंग के देखो खाने पीने के यहाँ पे तो लाल पड़ने वाला, क्योंकि देखो यहाँ पे दूर दूर तक एनिमल तो नहीं दिखने वाला। और ये स्लाइम मेरे पीछे क्यों पड़े हो भाई, क्यों पड़े हो? तो गाइज मैं तो इस विलेज से जा रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरे पीछे इतने सारे स्लाइम पड़ गए हैं कि अब मुझे यहाँ से जाना ही पड़ेगा। सो गाइज इस विलेज को हम लोग ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गरीब बना दिया था, आई मीन गरीब क्या बनाया, सामान उधार जाता, कुछ ज़्यादा ही सामान उधार ले लिया था। तो हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ गए, काफ़ी ज़्यादा दूर चलने के बाद हम लोग को एक विलेज दिख रहा था। तो यहाँ पे पीछे देख सकते हो इसमिकान ने जो रोमलस भाई भी यहाँ पे पीछे पीछे आ रहे हैं। तो हम लोग को यहाँ पे एक नया विलेज दिख गया था। तो गाइस अब बारी है शायद इस विलेज में हम लोग को यहाँ पे आयरन गोलम मिल जाए, तो भगवान की कृपा हो जाए भाई, क्योंकि यहाँ हम लोग डायमंड पे अपग्रेड ही नहीं कर पा रहे। तो इतने सारे डायमंड हैं लेकिन तब भी नहीं ले पाए, समझ रहे हो गाइस? आपने वो कहावत सुनी है, वाटर वाटर एवरीवेयर बट नो ड्रॉप टू ड्रिंक, वही हो रहा है भाई अपने साथ। डायमंड हर जगह लेकिन निकाल ही नहीं सकते उसको। ओ वेट अ सेकंड, ओ भाई आयरन गोलम है यहाँ पे, लेट्स गो यार। देखो आयरन गोलम तो भाई अपने रोमलेस भाई यहाँ पे संभाल लेंगे, लेकिन यार हम चलते हैं थोड़ा सा विलेजर्स को सामान उधार लेने। हाँ भाई सामान ही उधार ले रहा हूँ, मतलब लूट नहीं रहा हूँ, कोई नहीं कहेगा भाई लूट रहा हूँ, सामान उधार ले रहा हूँ। ठीक है मैं वापस कर दूंगा बाद में, विलेजर्स को फायदा करवाऊंगा, फायदा एक का डबल। एक का डबल, तू भी एक का डबल करता है क्यों? का डबल समझ रहे हो, ये इच्छा अनुसार दे रहे हैं विलेजर्स। तो भाई यहाँ पे तो लेकिन रात हो चुका है, तो सबसे पहले चलते हैं भाई, रात को यहाँ पे सो जाते हैं। तो कोई विलेजर्स के घर में चलते हैं और ए भाई उड़ जा भाई, मुझे सोने दे। और अरे भाई ये मेरे ऊपर क्यों खड़ा है, मुझे डर लग रहा है भाई। अरे ये सो के उड़ गया ये क्या सीन था उसके साथ? तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक रात और हम लोग यहाँ पे बिता ली, और इसी के साथ हम लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस भी कर चुके हैं। ठीक है तो यहाँ पे आयरन गोलम का आयरन भी यहाँ पे मिल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हो रोमलस भाई को इजेंट आयरन पिक का यहाँ पे एडवांस फूड मिल गया है। तो ये देखो यहाँ पे खोद रहे भाई, रुको रुको मैं इसका डायमंड, एक डायमंड दे दो ये ब्लॉक ऑफ डायमंड। अरे मार कर रहे हो भाई, मैं गलती से बस अरे 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 मारूं मत यार, मुझे भी थोड़ा सा चाहिए था। अरे ये तो कोई बात नहीं होती भाई, मुझे भी दे दो ना थोड़ा सा, क्या हो गया मतलब, आप ले लो फिर उसका मुझे भी दे दो। अरे पिक को क्यों मार रहे हो? अल्लाह गाइस देख लो डायमंड मारने, ठीक है भाई इतना सारा डायमंड है लेकिन फिर भी डायमंड देने में देख लो गाइस मुझे मार पड़ रही। ठीक है भाई रुक जाओ गाइस मेरे पास एक आइडिया, रुको मुझे मैं क्राफ्टिंग टेबल कहाँ गया, रुको गाइस मैं एक यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ फटाफट। और ये क्या मैं क्राफ्टिंग टेबल, और इसको यहाँ पे रखते हैं, और एक डायमंड तो हम लोग को मिल ही चुका है तो इसको यहाँ पे रखते हैं। ये नौ डायमंड हो गया मेरे पास, और मेरे पास डायमंड्स के सबसे पहले तो मैं यहाँ पे कुछ टूल्स वगैरह पे बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पे स्वॉर्ड बना लेता हूँ, एक पिकेक्स बना लेता हूँ, और अभी भी डायमंड्स बचे हैं भाई मेरे पास, लेट्स गो। तो थोड़े से और डायमंड दे दो रोमलस भाई, अरे दे दो, अरे मैं गलती से पाया फिसल गया, मैं डायमंड्स लेने नहीं आया था, ये लो फूल देने आया था भाई, फूल माफ़ी, ये लो फूल ले लो, फूल ले लो। अरे मैं अरे गलती से मैं आ गया, मैं मेरे पैर फिसल रहे डायमंड पे, ये मार्बल के है ना इसीलिए पैर फिसल रहे हैं, माफ़ करो ये ले लो आप, तो ये ले लो भाई, ये रख लो कोई दिक्कत की बात नहीं है, रख लो। फिर से भाई फिर से खोद रहे हैं, आज ले लेते हैं डायमंड, ए मिल जा। अरे एक को तो मिला, लेट्स गो। अरे माफ़ करो गलती से फिर से पैर फिसल गया था। अरे भाई तो पीछा ही नहीं छोड़ गया, माफ़ करो भाई गलती से पैर फिसला, गलती से। यहाँ पे गाइस एक ब्लॉक ऑफ डायमंड फिर मिल चुका है, और ये बन गया हम लोग का। और इससे हम लोग क्या बनाए, एक सेकेंड कहाँ गया भाई अपना क्राफ्ट, ये गया हेलमेट, ये गया, और एक सेकेंड इसको पहन लेते हैं, और ये गया मेरा शूज़, ये भी बन गया, और थोड़े बहुत डायमंड है, अच्छा डायमंड एक ही बचा है मेरे पास, रुको मुझे को डायमंड और चाहिए भाई, रुको एक सेकंड। अब तो रोमलस भाई दे ही सकते हैं भाई, अब तो उन्होंने भी यहाँ पे डायमंड्स कंप्लीट कर लिए, अब तो दे दो भाई माफ़ करो भाई। लेकिन एक सेकंड, लेकिन मैं उनसे क्यों मांग रहा था भाई, मेरे पास डायमंड पिकेक्स था, मैं खुद भी निकाल सकता हूँ। ओ अरे भाई गाइस माफ़ कर दो भाई, मैं भूल गया था यार, मेरे पास भी तो डायमंड पिकेक्स था, शिट यार ये क्या सीन हो गया गाइस यार मेरे पास भी डायमंड पिकेक्स था यार, माफ़ करो।
सो गाइस इसी के साथ आप ये देखो भाई, अपना फुल आर्मर डायमंड का सेट कंप्लीट हो चुका है इतनी जल्दी भाई। और किसी वर्ल्ड में तो बहुत टाइम लेता है भाई डायमंड का पूरा एक एक खोदो वोदो सब कुछ यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे डायमंड ही डायमंड है तो भाई अपना कंप्लीट हो चुका है। तो इसी के साथ भाई भाई इतनी जल्दी कंप्लीट, लेट्स गो भाई। तो अब मजे आएंगे ना भाई फाइट वाइट करने में। सो गाइज़ देखो यार, हम लोग यहाँ पे खाने की कमी पड़ी थी, यहाँ पे जितने भी एनिमल्स थे उस विलेज में मुझे यहाँ पे दिखे, तो यार मैंने पहले तो अपना फूड यहाँ पे भरा, उसके बाद यहाँ पे मैंने यहाँ पे स्वॉर्ड से जितने भी यहाँ पे मुझे चिकन वगैरह दिखे मैंने उनको यहाँ पे मारना शुरू कर दिया, क्योंकि अपने को चाहिए था खाना, ठीक है। और खाने देखो इस विलेज में अभी भी हम लोग यहाँ पे रुकने नहीं वाले हैं, तो यार इसका पहले तो यहाँ पे डर्ट ले लेते हैं, क्योंकि यार हम लोग को बड़ा सा फार्म बनाएंगे, एक जंगल बनाएंगे और उसके बाद एक ट्री फार्म बनाएंगे, आई मीन फार्मिंग वाला प्लेस बनाएंगे और एक जंगल बनाएंगे, क्योंकि यार देखो जंगल भी हम लोग को चाहिए, फार्म भी चाहिए, उसके बाद एक घर चाहिए और उसके बाद यहाँ पे एंडर ड्रैगन। तो ये तो भाई गोल आप लोग को ऑलरेडी यहाँ पे पता ही होगा, ठीक है। तो यही गोल रहने वाला है। तो यहाँ पे देखो एक और आयरन गोलम यहाँ पे स्पॉन हो चुका है, तो आज उसको भी फटाफट यहाँ पे मार लेते हैं। तो इस आयरन गोलम को यहाँ पे मारते मारते यार बहुत ही ज्यादा टाइम भी नहीं लगने वाला, क्योंकि देखो इस बार हम लोग पास डायमंड शॉट, तो मैं यहाँ पे फटाफट यहाँ पे आयरन गोलम को मारना शुरू कर देता हूँ। तो आयरन गोलम को मारते ही मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं आयरन और मेरा एक्वायर हार्डवेयर का एडवांसमेंट यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, तो वहाँ पे हो जाती गया। तो गाइस इसीलिए हम लोग चले जाते हैं घर में और वहाँ पे मैं अपना बिस्तर यहाँ पे रख के यहाँ पे सो जाता हूँ, वो रात भी हो जाती है यहाँ पे स्किप। सो गाइस यहाँ पे सुबह होते ही है, हम लोग ने यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मतलब टॉर्चेज वगैरह लगे थे, जितना भी हम लोग को ओक लॉग मिल रहा था मतलब पेड़ वगैरह से और साथ ही साथ घर वगैरह से, तो वो यहाँ पे हम लोगों ने कलेक्ट करना यहाँ पे शुरू कर दिया, कि देखो अभी अपना सारा काम जितना भी कोल का काम है जितना भी लकड़ी का काम है सब चीज़ यहाँ पे मतलब होने वाला है, मतलब लकड़ी यूज़ होने वाला है। तो यार देखो फर्नेस में जितना भी हम लोग स्मेल्ट वगैरह करेंगे तो उसके लिए हम लोग को लकड़ी ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और साथ ही साथ यहाँ पे कॉबल स्टोन वगैरह भी बहुत कम मिलेगा, तो कॉबल स्टोन से आपको बिल्डिंग का जो जैसे आपको दिख रही है सामने, तो यहाँ से भी हम लोग कॉबल स्टोन पूरा पूरा यहाँ पे कलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि देखो कॉबल स्टोन और कहीं यहाँ पे मिलने वाला है नहीं। अगर आप नीचे अगर माइनिंग भी करने जाओगे ना तो आपको टीन मिलेगा डायमंड, उसके बाद बेडरॉक ही आपको मिलेगा, तो इसलिए हम लोग ने यहाँ पे पूरा रात भर मतलब दिन रात लगा के पूरा यहाँ पे काम मतलब सब चीज़ यहाँ पे एक टूजेट ले लिया, और फिर उसके बाद एक बार हो गई थी एक बार और रात, तो गाइस इसको भी यहाँ पे कर लेते हैं स्किप। तो गाइस वो रात स्किप करने के बाद यार देखो यहाँ पे पहले तो बेड तोड़ लेते हैं अपना, गाइस वो रात स्किप करने के बाद यहाँ पे मैंने क्राफ्टिंग टेबल लगाया, और यहाँ पे गाइस हम लोगों के पास जो आयरन मिला था उससे मैंने एक आयरन बकेट बना लिया, और जहाँ यहाँ पे गाइस एक पानी का अनलिमिटेड सोर्स बना हुआ था उसको यहाँ से मैंने पानी यहाँ पे उठा लिया, ठीक है। तो गाइस पानी उठाने के बाद देखो अपने पास इनफ यहाँ पे सामान हो चुका है, तो यार अब आ गया इस विलेज को टाटा बाय बाय करने का। तो गाइस यहाँ पे विलेज को टाटा बाय बाय करते हुए हम लोग निकल गए एक आगे, और आगे फिर से खोज निकलने लगे यहाँ पे एक नया विलेज भी क्या। देखो अब हम लोग यहाँ पे अपना फार्म वगैरह कुछ घर वगैरह यहाँ पे बनाना है, तो उसके लिए एक बढ़िया सा विलेज चाहिए एकदम ताज़ा ताज़ा, जिसमें कि विलेजेस वगैरह भर के हों और यहाँ पे कुछ मतलब एनिमल्स वगैरह भी हों। तो गाइस हम लोग को आगे एक और नया यहाँ पे विलेज दिख गया था, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एनिमल्स भाई, वो भाई साहब कितने ढेर सारे यहाँ पे एनिमल्स हैं और यहाँ पे गाइस विलेजेस भी हैं। तो आज सबसे पहले तो यार देखो यहाँ पे इसके अंदर है विलेजेस, तो गाइस विलेजेस को हम लोग ने यहाँ पे कैद करना यहाँ पे शुरू कर दिया, कि देखो हम लोग यहाँ पे एक ट्रेडिंग हॉल भी चाहिए होगा ना मतलब एंडर ड्रैगन से लड़ने के लिए, हम लोग को यहाँ पे मतलब कुछ तो सामान चाहिए, तो यहाँ पे एक फार्म वगैरह भी है, तो मैंने यहाँ से सारा सीड वगैरह और गाइस यहाँ पे जितने भी डर्ट वगैरह है तो उसको भी यहाँ पे कलेक्ट करना यहाँ पे शुरू कर दिया था। सो गाइस यहाँ पे रात हो रही थी, तो यार हम लोग ने फिर उसके बाद यहाँ पे रात एक स्किप कर दी, और रात स्किप करने के बाद देखो यहाँ पे सुबह होते ही यहाँ पे एक और यहाँ पे गोलम स्पॉन हो गया है, तो इन भाई साहब की भी यहाँ पे थोड़ा सा खबर ले लेते हैं, कि हम लोग यहाँ पे आयरन की यहाँ पे मतलब टूल्स वगैरह तो चाहिए ही चाहिए, तो बहुत चीज़ यहाँ पे बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पे आयरन का चाहिए होता है। तो गाइस एक सेकेंड गाइस, अपनी बगल में एक और विलेज है भाई, लोग इधर देखो इतना बगल बगल में विलेज भाई, लेट्स गो गाइस, आ जाओ इस विलेज को भी यहाँ पे थोड़ा सा लूट लेते हैं। और गाइस मेरे हिसाब से ये एरिया बेस्ट होने वाला है, बीच में यहाँ पे बीच में मतलब दोनों विलेज के बीच में हम लोग यहाँ पे बनाएंगे अपने फार्म्स वगैरह और घर वगैरह, तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट ये एरिया होने वाला है। तो गाइस यहीं पर हम लोग अपना सारा चीज़ बनाएंगे, लेकिन पहले उसके पहले यहाँ पे सेकंड विलेज यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं। सो गाइस यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे विलेजेस के घर को यहाँ पे चेकआउट करना यहाँ पे शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ पे नाकामयाबी मिली यार हम लोग को, क्योंकि यार देखो यहाँ पे विलेज में कुछ लूट ही नहीं था भाई, बहुत ही सस्ता विलेज था, लेकिन विलेजर्स थे तो मैं हम लोग ने उसको यहाँ पे जाने नहीं दिया। और गाइस उसके बाद मैंने एक यहाँ पे चेस्ट बनाया जिसमें अपना सारा सामान रखा, और उसके बाद गाइस मैं बनाने लगा एक फेंस, क्योंकि यार देखो अब हम लोग को बनाना था एक फार्म, तो सबसे पहले तो अपने खाने पीने का कमी पूरा करने के लिए हम लोग को बनाना था एक मतलब फार्मिंग प्लेस, जहाँ पे हम लोग फार्मिंग वगैरह पे करेंगे। तो मैंने यहाँ पे फटाफट यहाँ पे फेंस बनाया और गाइस फेंस को यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया, ठीक है। सो गाइस यहाँ पे दोनों विलेजेस के यहाँ पे बीच में जो पाथ है जितना मतलब जितना बड़ा पाथ है, तो गाइस उसी में मैंने यहाँ पे 23x20 यानी कि 23 बड़ा और 23 इधर से मतलब लेंथ और ब्रेथ दोनों 23 यहाँ पे रखते हुए मतलब ऑड रखते हुए मैंने यहाँ पे बनाना फेंस लगाना शुरू कर दिया। तो फटाफट यहाँ पे लगा लेते हैं यहाँ पे फेंस। और गाइस यहाँ पे मैं फेंस लगाया था, और साथ ही साथ यहाँ पे इट्स मैकेनिक भाई ओमलेस भाई ने यहाँ पे अपना डर्ट वगैरह वाला काम यहाँ पे शुरू कर दिया। और गाइस सीड तो यार हम तीनों लोग के पास थे, यार सीड भी हम लोग यहाँ पे लगाना था, लेकिन भाई उसके पहले यहाँ पे रात होने लगी और यहाँ पे गाइस एक फेंस यहाँ पे गलत लगा,
तो उसको तोड़ देते हैं। और यहाँ पे पीछे भाई हम लोग के स्लाइम, तो भाई पीछे भाई दिन रात 24 घंटे स्लाइम पीछे पड़े थे, लेकिन यार हम लोग उसके पहले यहाँ पे सो के एक और यहाँ पे रात इसके यहाँ पे कर देते हैं। एक सेकंड, वेट भाई, तुम्हारा घर है, तुम नीचे क्यों सोए हो? गाइस ये विलेजर को देखो भाई, ये क्या हो रहे भाई, अरे ये क्या है, व्हाट गाइस, ये देखो भाई, ये क्या गाइस, ये देखो, अरे भाई 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 गाइस, यार इसकी भी एक टांग नकली लगती है भाई। ठीक है, तो गाइस इसको छोड़ते हुए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं अपने यहाँ पे फार्म की ओर। तो गाइस देखो फार्म यहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे फेंसिंग यहाँ पे पूरी कंप्लीट यहाँ पे हो चुकी है, तो बस अब बारी है तो एक गेट की, तो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे एक पहले एक स्टिक बना लेते हैं और यहाँ पे गेट वगैरह यहाँ पे बना के अपना फेंसिंग यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहाँ गया भाई अपना फेंस गेट, तो गाइस ये था अपना फेंस गेट, तो भाई ये गया और इसको यहाँ पे लगा देते हैं। और इसी के साथ बूम गाइस, हम लोग यहाँ पे फेंसिंग यहाँ पे पूरी कंप्लीट हो चुकी है, तो बारी है सिर्फ यहाँ पे डर्ट लगा के यहाँ पे कुछ फार्मिंग वगैरह करने की। ठीक है, यहाँ पे ये रहा हम लोग के पास थोड़ा बहुत डर्ट, हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे डर्ट लगा लेते हैं। तो वैसे अब बारी यहाँ पे इसमें पानी भरने के, तो मेरे पास 2 बकेट ऑफ वाटर था, तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया, लेकिन हम लोग को लगता है अनलिमिटेड सोर्स बनाना पड़ेगा, तो हम लोग ने यहाँ पे अनलिमिटेड सोर्स ऑफ वाटर यहाँ पे बना लिया, जिसकी मदद से हम लोग यहाँ पे मतलब पूरा फार्मिंग अपना ईजी यहाँ पे कर सकते हैं, मतलब हम लोग को यहाँ पे जितने बकेट ऑफ पानी चाहिए तो हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट यहाँ पे सारा पानी यहाँ पे डाल देते हैं। लेकिन भाई अब देखो यहाँ पे हो रही है रात, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सो जाते हैं, क्योंकि देखो हम लोग मॉब्स यहाँ पे स्पॉन नहीं करवाने, क्योंकि सुपर फ्लैट वर्ल्ड में बहुत सारे मॉब्स स्पॉन होते हैं भाई, लिटरली बहुत सारे। ठीक है, तो यहाँ पे गाइस देखो यहाँ पे सुबह होते ही हम लोग ने देखा कि यहाँ पे कार्ने जो है अपना हो वगैरह करने लगे यहाँ पे सारी चीज़ों को। मैं यहाँ पे गाइस प्लांट कर दिया जितने मेरे पास सीड वगैरह थे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे गाइस कैरेट के, पोटैटोज के और यहाँ पे कुछ मतलब हमारे पास और सीड्स थे, मैंने यहाँ पे वो प्लांट कर दिया। तो गाइस अब बारी अपने यहाँ पे छोटे से मिनी जंगल बनाने की। गाइस मैंने यहाँ पे एक एक डर्ट यहाँ पे लगाना शुरू कर दिया, हर चार चार ब्लॉक छोड़ के, तो यहाँ पे फटाफट यहाँ पे सारा यहाँ पे डर्ट वगैरह यहाँ पे लगा देते हैं। और ये क्या गाइस हमारे 5th ब्लॉक पे, यहाँ पे हर 5th ब्लॉक पे यहाँ पे डर्ट लगेगा। तो इसी तरह करते करते यहाँ पे जितने भी आप हम लोग के पास ओक सैपलिंग वगैरह हम लोग यहाँ पे मिले हैं, मतलब कुछ विलेजर्स के चेस्ट से मिले हैं, कुछ यहाँ पे कुछ पेड़ तोड़ने के बाद मिले हैं, तो यहाँ पे जितने भी यहाँ पे मिले हैं उसको यहाँ पे हम लोग ने यहाँ पे शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ बीच में यहाँ पे स्लाइम्स इतने ज़्यादा यहाँ पे गाइस इंटरप्ट कर रहे थे ना भाई, इतना भाई माथा मतलब समझो गाइस यहाँ पे सर दुख गया भाई स्लाइम कर करके भाई, आके भाई हमेशा गाइस यहाँ पे आके भाई उंगली करे भाई। इसी के साथ देखो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ देखो वो सब तो छोड़ो गाइस, यहाँ पे हम लोग का मिनी जंगल यहाँ पे तैयार हो चुका है। तो अब बारी यहाँ पे फेंसिंग की, लेकिन यहाँ फेंसिंग से पहले देखो यहाँ पे हो रही है रात, तो भाई इसको भी फटाफट यहाँ पे कर लेते हैं स्किप। सो गाइस यहाँ पे काफ़ी वेट करने के बाद यहाँ पे अरे सो जाओ भाई, क्या कर रहे हो, क्यों रात में काम करना है यार, मॉब स्पॉन हो जाएंगे। ठीक है, तो गाइस फाइनली यार हम लोग यहाँ पे सारे बंदे अपने तीनों बंदे यहाँ पे सो चुके हैं, और इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एक नाइट और यहाँ पे स्किप हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो भाई कितना बढ़िया लग रहा है भाई, ये देखो अपना मिनी जंगल जैसे देख सकते हो भाई, अपने ट्री वगैरह यहाँ पे प्लांट हो चुके हैं और कितना ही ऑसम यहाँ पे देखने में लग रहा है। लेकिन भाई इसके अंदर रुको यार, हम लोग यहाँ पे एक आखिरी टचअप बचा है जो कि है यहाँ पे गाइस देने का है, वो है गाइस हम लोग यहाँ पे टॉर्च वगैरह लगाना, जो जितने भी यार हम लोग ने यहाँ पे टॉर्च वगैरह लिए थे उसको यहाँ पे लगा दिया। और साथ ही साथ अपना आप देख सकते हो भाई साहब गाइस, ये देखो यार अपना ट्री फार्म और फार्मिंग एरिया दोनों यहाँ पे तैयार हो चुका है। फार्मिंग एरिया को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे इन द फ्यूचर अगर जरूरत पड़ी और ज़्यादा खाने की तब, लेकिन यार अभी तो देखो सीड प्लांट नहीं है, तो यहाँ पे गाइस फर्नेस एक रूम में खाना वगैरह यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि देखो हम लोग को खाने की कमी पड़ेगी, तो हम लोग को यहाँ पे थोड़े बहुत एनिमल्स यहाँ पे मारने पड़ेंगे। तो अपने जो एनिमल्स है उनको तो यहाँ पे हम ब्रीड करवाएं, लेकिन सामने वाले विलेज के पास भी बहुत सारे एनिमल्स है, तो आज चलते पहले उसको मारने। और गाइस अब अपना नेक्स्ट गाइस टारगेट है आयरन फार्म बनाना, क्योंकि देखो आयरन फार्म बनाने की अभी बहुत ज़्यादा जरूरतें है, क्या देखो कुछ चीज़ें हैं ना जो आयरन से मिलती है, लेकिन यहाँ पे आयरन गोलम तो बार बार हम लोग यहाँ पे स्पॉन करवा नहीं सकते, तो इसलिए अब हम लोग को जरूरत है एक आयरन फार्म की, तो यहाँ पे उसको भी हम लोग फटाफट यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। तो लेकिन उसके पहले यहाँ पे कुछ खाना वगैरह ले लेते हैं, और यहाँ पे अब बनाते हैं हम लोग कुछ बोट, क्योंकि देखो यहाँ पे रोमल भाई ऑलरेडी यहाँ पे आयरन फार्म पे काम करना शुरू कर दिए थे, मेरा काम था विलेजेस को लेके आना मेरा और कार्नेज भाई का। ठीक है, तो यहाँ पे पहले मैं 2 बोट यहाँ पे बना देता हूँ, इसको यहाँ पे तोड़ देता हूँ। अगर हम लोग को एक लावा भी चाहिए था, सबसे पहले तो आप विलेजर्स को बैठा देते हैं, देखो यहाँ पे विलेज एक बैठ गया है, मतलब विलेजर यहाँ पे दूसरा विलेजर बैठा है, तो यहाँ पे अरे भाई 2 विलेजर्स बैठ गए भाई इस पे, तो कोई बात नहीं इसको एक को हटा देंगे। लेकिन यहाँ पे एक सेकंड गाइस, ये रहा ब्लैक स्मिथर गए, तो यहाँ पे लावा हम लोग को जरूर मिल जाएगा, तो लावा भी यहाँ पे ले लेते हैं और देख लेते हैं भाई कहाँ गया। अरे भाई ये पीछे कितने सारे स्लाइम पड़ गए भाई गाइस मेरे, रुको यार गाइस मैं इन लोग को यहाँ पे फटाफट यहाँ पे निपटा लेता हूँ, कुछ ज़्यादा ही बड़े बड़े यहाँ पे 5-6 स्लाइम मेरे पीछे पड़ गए हैं। तो गाइस फाइनली यार उन लोग को निपटाते हुए यहाँ पे मेरे में यहाँ पे दिख गया था लावा, तो मैं फटाफट यहाँ से एक लावा ले लेता हूँ और गाइस यहाँ पे विलेजर्स को बैठा देता हूँ और चल देता हूँ अपने विलेज आयरन फार्म की ओर। ठीक है,
सो गाइस देखो यहाँ पे आर्यन फार्म की ओर मैं यहाँ पे लेके आ जाता हूँ इस विलेजर को, यहाँ पे फटाफट यहाँ पे पैक कर देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे जॉम्बी यहाँ पे स्पॉन होने वाले, क्योंकि देखो हम लोग एकदम खुले में यहाँ विलेजर रखेंगे तो जॉम्बी आएंगे, तो भाई विलेजर्स को यहाँ पे खतरा है मरने का, ठीक है। तो यहाँ पे विलेजर्स को यहाँ पे मैं फटाफट यहाँ पे पैक कर देता हूँ, ताकि भाई ये विलेज यहाँ पे मतलब हमारा जो विलेजर है वो यहाँ पे बिल्कुल ही सेफ रहे, और जब इसको जरूरत पड़े तो हम लोग यहाँ पे ऊपर चढ़ा पाएँ, ठीक है। तो यार देखो अब यहाँ पे हो रही थी रात, तो मैं यहाँ पे गाइस फटाफट यहाँ पे सो जाता हूँ, ताकि अपना कहीं काम आसान हो जाए, रात स्किप हो जाए, ठीक है। गाइस रात स्किप करने के बाद देखो हम लोग यहाँ पे थोड़ा बहुत चलते हैं भाई अपने विलेज गाइस आयरन फार्म के पास। तो आयरन फार्म के पास जैसे कि आप देख सकते हो भाई अपना यहाँ पे गाइस रेल वगैरह लगा दिया डोमिनोज भाई ने, तो अब बारी है इसको विलेजर्स को ऊपर ले जाने की, और गाइस साथ ही साथ मतलब एक और विलेजर लेके आने की। तो गाइस देखो यहाँ पे डोमिनोज भाई यहाँ पे ट्राई कर रहे थे अपने विलेजर्स को ऊपर ले जाने का, और मैं चला गया गाइस एक और बोट लेके एक नए विलेजर्स को यहाँ पे लाने, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे विलेजर अपना आ चुका है, और भाई ये भाई पीछा नहीं छोड़ रहा, भाई ये क्यों पीछा नहीं छोड़ रहा, अरे भाई हट जा भाई तू। हाँ तो गाइस यहाँ पे अब इसके छोटे छोटे बंदे यहाँ पे खराब नहीं होंगे, तंग नहीं करेंगे। तो गाइस आज फटाफट यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे डायमंड माइन कर लेते हैं, क्योंकि देखो हम लोग बनाया था आयरन फार्म के लिए एक विलेजर्स का रूम, तो उसके लिए तो फटाफट यहाँ पे डायमंड हम लोग को ढेर सा यहाँ पे चाहिए था। तो गाइस मैंने 2 स्टैक के लगभग लगभग यहाँ पे डायमंड का यहाँ पे माइनिंग यहाँ पे कर लिया था, और बाहर आकर देखा तो भाई यहाँ पे तो रात हो रही भाई, लेकिन भाई कोई बात नहीं, वो रात हम लोग ने स्किप नहीं किया, क्योंकि यार देखो ये रात हम लोग पूरा एक जॉम्बी वगैरह को यहाँ पे इकट्ठा करने के लिए यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे तो मैंने यहाँ पे गाइस जॉम्बी वगैरह को यहाँ पे अपने पीछे यहाँ पे बुलाया, और आजा भाई पीछे आजा पीछे आजा पीछे आजा, और यहाँ पे गाइस उसमें को यहाँ पे बैठाना था, तो ये रेल के पटरी की वजह से वो ऊपर नहीं आ पाए थे, लेकिन यहाँ पे फाइनली भाई जॉम्बी ऊपर आ चुके हैं, और बैठ जाओ भाई अब तो बैठ जाओ रुको गाइस 1 सेकंड, और फाइनली गाइस हम लोग यहाँ पे जॉम्बीज भी यहाँ पे बैठ चुके हैं। तो गाइस अब बारी है सिर्फ आयरन गोलम को मरते हुए, सारे जॉम्बीज यहाँ पे स्पॉन होते ही हैं, और यहाँ पे देख सकते हो भाई आयरन गोलम अपना स्पॉन होने लगा है भाई, बूम भाई। सो इसी के साथ देख सकते हैं अपना आयरन गोलम बहुत ही जोरों शोरों से वर्क कर रहा है, और नीचे मॉब्स भी जोरों शोरों से वर्क कर रहे हैं, यानी कि स्पॉन होने का काम ले रहे हैं। तो भाई इस वर्ल्ड के अंदर भाई खुले में घूमना तो भाई रात में इम्पॉसिबल वाला सीन है, क्योंकि यार देखो देख सकते हो कितने सारे मॉब्स स्पॉन हो रहे हैं भाई अपने अगल बगल, लेकिन यार उनसे डरता कौन है भाई, हम लोग यहाँ पे कहीं सर्वाइव करके जाएंगे। और इसी के साथ हम लोग 50 डेज ऑलरेडी कंप्लीट भी हो चुके हैं यार, 50 डेज की और एक नई वीडियो आएगी, तो उसके लिए आपको बने रहना है। और देख सकते हो भाई अपना आयरन फार्म तो बिल्कुल ही अच्छे तरीके से काम कर रहा है, तो भाई अब बारी देखो अपना आयरन फार्म बन गया, जंगल बन गया, फार्मिंग बन गया, तो अब बारी सिर्फ यहाँ पे घर बनाने की, ट्रेडिंग हॉल बनाने की, और साथ ही साथ एंडर ड्रैगन को यहाँ पे मारने की, जो कि यहाँ पे बॉस है, ठीक है। तो उसको भी हम लोग यहाँ पे नहीं छोड़ने वाले। तो यार उम्मीद करता हूँ आपको ये वाली वीडियो पसंद आएगी, तो इसका सेकंड पार्ट भी बहुत जल्द आएगा, तो यार उसके यहाँ पे बने रहना चैनल पे, ठीक है। और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, हो सके तो कमेंट में सेक्शन बताओ कि कैसा लगा आपको वीडियो, सेकंड पार्ट कितना जल्दी आप लोगों को चाहिए, एक्साइटमेंट वगैरह दिखा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, 24x7 कमेंट सेक्शन यहाँ पे खुला है। लेकिन 1 सेकंड भाई, लगता है मुझे यहाँ पे जाना होगा, क्योंकि यहाँ पे आयरन गोलम का मैटर हो गया भाई, देख सकते हो क्या ही मैटर चल रहा है पीछे, ठीक है। तो यहाँ पे मैटर हो गया, तो मुझे यहाँ पे सुलझाने जाना पड़ेगा, और इस स्लाइम को भी सबक सिखाने जाऊंगा, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, पीस आउट, साइन आउट, बाय बाय।